एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग टीएस वर्ल्ड। और आप सभी ये जरूर सोच रहे होगी कि मैंने आज ऐसे व्लॉग की शुरुआत क्यों की है, ऐसे बाल और गंदी सी शक्ल लेकर। तो एक्चुअली मैंने अपने बालों में लास्ट नाइट ऑयलिंग करी थी, और देख सकते हो काफ़ी हैवी वाली ऑयलिंग करी है। और आज का जो मेरा रिव्यू है वो है शैम्पू के बारे में, ट्रस्ट में सल्फर फ्री शैम्पू। तो इसलिए मैं आप सभी को ये दिखा रही हूँ कि कैसे हैवी ऑयलिंग के बाद बाल दिखते हैं और आफ्टर वॉश बाल कैसे दिखेंगे। क्योंकि मेरा शैम्पू के बारे में रिव्यू, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना ऐसा थोड़ा ऑनेस्ट और नेचुरल बनाया जाए, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ, मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है कि एक्चुअली में शैम्पू अच्छा है या ख़राब। आप सभी खुद ही जज कर पाओगे फिर। सो आई एम बैक। एज ऑल यू कैन सी कि मेरे 90% हेयर जो है ड्राई हो चुके हैं। अब इस शैम्पू के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी, क्या प्रॉस है क्या कॉन्स है। अगर इस वीडियो को शुरू करो एंड तक देखना, साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि आप सभी को सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ट्रस्ट में प्रो प्रोटेक्ट सल्फेट फ्री शैम्पू का रिव्यू देने वाली हूँ, साथ ही और कंडीशनर का भी रिव्यू दूंगी, प्रॉस कॉन्स सारी चीज़ें बताऊंगी, पैकेजिंग कैसी है, टेक्सचर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, बालों पे लगाने के बाद कैसे हैं, सारी चीज़ें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि आप सभी को मैं सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे सारे प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है। एंड एज यू ऑल नो कि ट्रस्ट में एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है, जो बहुत लोगों ने ऑब्वियसली एक टाइम पे यूज़ किया होगा, क्योंकि जहाँ हम लोग हिमालय डव पैंटीन यूज़ करते थे, उसके बाद अचानक से ट्रस्ट में की मार्केट में एंट्री हुई। और अभी की डेट में इतना अपग्रेड हो चुका है कि इसके बहुत सारे वर्जन है। लाइक आप देख सकते हो सल्फेट फ्री शैम्पू है इनका और कंडिशनर भी है। तो सल्फेट फ्री क्यों ज़रूरी है, ये तो एज यू ऑल नो कि अगर आप सभी ने अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट लाइक केराटिन या फिर स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग करवाया है, तो उसके लिए सल्फेट फ्री ही रिकमेंडेशन दिया जाता है। तो मैंने इससे पहले एक शैम्पू का रिव्यू किया था, वो था स्कॉच कॉफ सल्फेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि बहुत अच्छा था लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो उसके बाद मैंने ये शैम्पू ट्राई करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे बहुत ही रिजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में मिला था। और मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऑफ में मिला था और मैंने इसको नाइका से परचेज किया है। तो उसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, कंडीशनर एंड शैम्पू। लेकिन की प्राइसिंग जो है बहुत कम में पड़ी थी, मैंने 700 में ये दोनों परचेस कर लिया था। लेकिन कंडीशनर जो है, अगर आप सभी ऐसे सिर्फ लेते हो अलोन, तो ये आपको 300 रुपीज़ में पड़ेगा, और ये है आपका 650 में। आपको ये पूरा 580 ml का ये बॉटल आपको 650 में पड़ेगा। लेकिन मैंने बहुत डिस्काउंट पे लिया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कूपन थे, तो मैं लिंक में ड्रॉप कर दूंगी। सो इस शैम्पू की अगर प्रॉस की बात की जाए, तो आप सभी खुद मेरे बालों को देख के पता लगा सकते हो कि प्रॉस क्या है। आफ्टर वॉश मैंने देखो आप सभी मेरे बाल कैसे हैं, और मैंने एक्चुअली में स्मूथनिंग करवा रखी है बालों की, तो नीचे से बाल इसलिए स्ट्रेट हैं, बट आफ्टर वॉश कुछ ऐसे दिखते हैं बाल। और मैंने बहुत हैवी ऑयलिंग की थी, आप सभी ने वो भी देखा। तो प्रॉस ये है कि आप सभी को बहुत अफोर्डेबल प्राइस में शैम्पू मिल रहा है। सेकेंड मतलब सिल्की हो जाते हैं आपके बाल, और 2-3 दिन तक ऐसे सिल्कीनेस रहती है आपके बालों में, स्ट्रेट भी रहेगा, फ्लैट भी रहेगा। अब बात करेंगे कॉन्स की, तो ये जैसा आप सभी को पता है कि सल्फर फ्री शैम्पू जो होता है उसमें बबलिंग से आने बहुत कम होते हैं, बहुत देर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शैम्पू यूज़ करना पड़ता है, तब जाके आपके झाग आता है, बबल्स आते हैं। तो इसके साथ, इस शैम्पू के साथ कॉन्स ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आप सभी को अपने बालों पर यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर आप सभी को बबल्स दिखेंगे। और सेकेंड ये है कि अगर आपने इसको यूज़ किया है तो आपके बाल थोड़े बहुत ड्राई भी होने लगते हैं, जैसे ये ऐसे निकले। और भी कौन से है, क्योंकि अगर शैम्पू ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो कंडीशनर भी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि एज आई सेड कि बाल थोड़े ड्राई हो जाते हैं, तो मुझे कंडीशनर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर ये 580 ml का मैंने बॉटल लिया है, तो मैं इसको लास्ट 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, और ये तुरंत बस ख़त्म होने वाला है। तो 580 ml बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक बड़ा बिग साइज़ है शैम्पू का, और साथ में कंडीशनर भी है, लेकिन ये अब ख़त्म होने वाला है। और बात करेंगे इसके बारे में कि और ये कैसे फ़ायदे पहुँचाता है। तो सल्फेट फ्री शैम्पू तो है, लेकिन इसमें और भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो केमिकल हैं। तो आप सभी क्यों ना ऐसे शैम्पू यूज़ करो जो प्रॉपर सल्फेट फ्री हो, लेकिन हाँ, अफोर्डेबल प्राइस में शैम्पू मैं बोलूँगी कि अच्छा है आपके बालों के लिए, आप सभी यूज़ कर सकते हो। और इसके बारे में अगर बात करें थोड़ा ट्रस्मे के बारे में, तो ट्रस्मे के और भी बहुत सारे वेरियंट्स हैं जो इससे ज़्यादा अच्छे हैं, तो प्रॉबेबली मैं वो ट्राई करूँगी, उसका भी रिव्यू मैं आप सभी को डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल। अब इस प्रोडक्ट में क्या कुछ है तो वो थोड़ी बातें कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं ये मेंशन किया हुआ है कि मोरक्कन आर्गन ऑयल है। आप सभी को पता है कि मोरक्कन आर्गन ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे बालों को स्मूथ बनाता है और सिल्की बनाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़
एक टाइम पे ऐसा भी होता है कि आपके स्कैल्प में बहुत सारे ना डैंड्रफ जैसे कुछ पैचेस दिखने लगते हैं, तो उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप सभी सल्फेट शैम्पू जो है यूज़ कर सकते हो, बट फॉर अ टाइम। और अब बात करेंगे शैम्पू में क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है हाउ टू यूज़ इट एंड वाई प्रो कलेक्शन, ये भी इन्होंने दे रखा है क्योंकि आप सभी को पता है कि इन्होंने यूज़ बाय प्रोफेशनल का एक टैग दिया है ट्रस्मे को। लेकिन मेरे हिसाब से ये ओके ओके प्रोडक्ट है, आप सभी भी एक बार ट्राई करो, मे बी आपके हेयर के टेक्सचर के लिए अलग हो। मेरा हेयर जो है वो स्ट्रेट है, पहले से स्ट्रेट था, बस मैंने ड्राइनेस की वजह से स्मूथनिंग करवाई थी, लेकिन थोड़े बाल अब ड्राई होने लगे हैं। और अब इस और आप सभी जैसे ही शैम्पू यूज़ करोगे तो 2-3 दिन तक आपके बाल अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही ऑयलीनेस आ जाता है, ग्रीजीनेस आ जाता है, जो भी आप जब भी सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करोगे तो ऐसा आप सभी को देखने मिलेगा। अब बात करेंगे इसके कंडीशनर के बारे में, तो मेरे हिसाब से इन कंपैरिजन टू शैम्पू कंडीशनर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे बाल ऑब्वियसली आपके सॉफ्ट हो जाते हैं, स्मूथ भी लगते हैं, लेकिन आप सभी को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है। और एज यू कैन सी कि आप सभी को ये क्वांटिटी कम में दिख रही होगी, क्योंकि इसके एक्चुअल में क्वांटिटी कम है। और ये सल्फेट फ्री है कंडीशन जो है, ये भी सल्फेट फ्री है, इसमें भी आप सभी को मोरक्कन आर्गन ऑयल मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी केमिकल्स हैं, जो एक्चुअली अगर आप सभी केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते हो इसमें भी केमिकल्स हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और आगे अगर ऐसे ही कुछ कोई शैम्पू प्रोडक्ट को लेकर कोई कंसर्न हो ओपिनियन तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलो थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, बाय।